नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिन नेगी और आप देख रहे हैं संगम स्थल। मैं जहां पे खड़ा हूं वह है संगम स्थल, और संगम स्थल पे एक 1962 के दशक में यहां पे जो कृपया गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था उसके पास एक छेना हम पहले बोलते थे, अब उसको टनल का रूप दे दिया गया है। टनल छेना, जिसे छेना कहा जाता था, हथौड़ी और छेने से इसको बनाया गया था, इसका नाम छेना रखा गया था। आज हम उसी स्थान पर खड़े हैं और सुबह सुबह का समय है, सुबह 8 बज रहे हैं। कल देर रात भारी बारिश के कारण ये जो टनल के ऊपर का जो हिस्सा है वो गिर के नीचे आ गया है और टनल बंद हो गई है। यहाँ से जो राजमार्ग है, ये गौरीकुंड रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहीं से आवाजाही होती है। जो लोकल गाड़ियाँ हैं यहाँ से, पहले यहीं से होती थी, अब बाईपास बन गया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इस पे जो छेना है ये NH के द्वारा इस पे निर्माण कार्य किए गए थे, इसके अंदर फिलिंग कर दी गई थी, लेकिन वो फिलिंग एक बार फिर से टूट के सामने आ गई है और ऊपर से नीचे तक सारा हिस्सा टूट के नीचे गिर गया है। और अभी जो JCB का काम चला लगा हुआ है इसके मलवा हटाने के लिए, कल देर बड़ी मुश्किल से, काफ़ी दिनों के बाद कल बारिश हुई थी और पहली बारिश में ये आपने निशान छोड़ दिए हैं। मैं आपको आप पूरी तस्वीरें दिखाता हूं किस प्रकार से मलवा गिरा है, उसकी पूरी तस्वीरें। साथियों, ये है छेना और छेने के ऊपर से ये जो हिस्सा टूट के नीचे गिरा है, ये NH के द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा इसको ठीक कर दिया गया था। इसके ऊपर फिलिंग कर दी गई थी, जाला बिछाया गया था पिछले वर्ष, लेकिन वो जाला एक बार फिर टूट के नीचे गिर चुका है। और ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से टूट के नीचे सड़क पे गिर गया है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो आवाजाही है पूर्ण रूप से बंद हो गई है। और अभी एक महीने पहले, यात्रा से पहले इसको खोल दिया गया था क्योंकि इसमें निर्माण कार्य चल रहा था NH निर्माण खंड रुद्रप्रयाग के द्वारा, लेकिन एक बार फिर से सवालों के घेरे में ये टनल। और मैं आपको तस्वीरों के दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूँ, ये मार्ग है और इसी मार्ग से आप लोगों को ये रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग होकर आवाजाही लोकल लोगों के लिए यहाँ से जाना पड़ता है। और ये यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये संगम स्थल काली कमली धर्मशाला है, यहाँ पे यात्री विश्राम गृह है और ये है रुद्रनाथ जी, इसे रुद्रनाथ गुफा भी कहा जाता है। और ये प्राचीन रुद्रनाथ जो संगम स्थल है, यहीं से इस स्थान से भी जा सकते हैं, इस स्थान से भी जा सकते हैं। ये रुद्रनाथ जी का प्राचीन मंदिर, जिसे हम रुद्रनाथ की भूमि भी कहते हैं, जिसे रुद्रप्रयाग को रुद्रनाथ की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं इन तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ। और उस जमाने 1962 के ज़माने में यह एक टनल बनाई गई थी हथौड़ी और छेने से, इसका नाम छेना रखा गया था। आज के जो बोली भाषा में उसे टनल कहा जाता है। तो कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन मेरे साथ स्थानीय लोग हैं यहाँ पे। चौधरी जी, ये अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल भी इस पे काम लगा था, इस साल भी काम लगा, क्या कहेंगे? ये आधुनिक इंजीनियरिंग और प्रशासन की कर्तव्य निष्ठा का परिणाम है कि आपको दिखाई दे रहा है। ये सुरंग लगभग 70 सालों से ऐसी थी और ये लगभग ठीक अवस्था में थी, लेकिन सरकार के द्वारा इसको छेड़ा गया। जब पुराने निर्माण को छेड़ा जाता है तो पूरे एक साथ पूरा तोड़ा जाता है, आधे हिस्सों में नहीं किया जाता है, क्योंकि एक बार वो छेड़ दिया जाएगा तो पूरा धीरे धीरे गिरेगा। इनके द्वारा आधा सुरंग बनाई गई, ये आगे का हिस्सा छोड़ा गया जिसमें ना तो सीमेंट लगा हुआ था, पुरानी जो इंजीनियरिंग थी और बहुत मजबूत था, लेकिन जब इन्होंने छेड़ा तो मशीन के कारण वो पूरा हिल गया। और हम कह रहे थे कभी भी गिरेगा, 2-3 बार पहले भी गिर चुका है, और शुक्र करो ये रात को गिरा, दिन को गिरता तो यहाँ पे जनहानि होती। आपके सामने मशीन खड़ी है जिसका निर्माण कार्य पूरा किया जाना था, लेकिन निर्माण कार्य आधा अधूरा छोड़ के चले गए। बिल्कुल, अब मशीन यहाँ पे, ये 3 बार ये मशीन अंदर गई, 3 बार बाहर आई। अभी एक बार पहले ये निर्माण कार्य चल रहा था तो इसे हटाया गया इलेक्शन के कारण, कि इलेक्शन हो रहा है इसे बाहर आवाजाही शुरू करें। फिर ये काम शुरू कर रहे हैं तो फिर थोड़ी देर 5-7 दिन काम किया, फिर यात्रा के लिए हटाया गया यात्रा, जबकि इस निर्माण कार्य को सितंबर अक्टूबर या नवंबर से काम शुरू होना चाहिए था, ताकि यात्रा सीजन तक ये काम शुरू हो जाता, यहाँ से आवाजाही शुरू हो जाती, लेकिन ये मार्च अप्रैल से यहाँ पे काम शुरू किया। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 जाने पहले जा चुकी है,
और इस तरीके से निर्माण अभी देखो ये बहुत ज़्यादा हो गई, तीन चट्टान आने के लिए तैयार है। इससे पहले इसमें 50 लाख रुपए की ये जालियाँ लगाई गई, ये सारा बेकार है, इस पर तो हर साल पैसा खर्च होता रहेगा। ये आप तस्वीरों में देखते हैं, वहाँ पे मशीन अभी खड़ी है, निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था, आधा अधूरा छोड़ दिया गया था क्योंकि टनल का निर्माण कार्य होना था। अब लोग वापिस जा रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं वो वापिस जा रहे हैं, आप देख सकते हैं इसी मार्ग से होके जो लोगों को जाना था। और ये आप देखो तस्वीरों में ये मशीन जो अभी स्थानीय लोगों से हमने जो पढ़ते हुए बात हुई, उन्होंने कहा कि ये आधा अधूरा काम छोड़ के मशीन को बाहर निकाल दिया गया और ये हादसा आपके सामने ये सामने दिखाई दे रहा है। भरोस क्या कोई भी होगा, पागल होगा, बोरू होगा।